प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप सबका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हम जानेंगे कि क्या है रुद्राक्ष की महिमा और इसका महत्व क्या है, रुद्राक्ष धारण करते समय किन किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए, साथ ही ये भी जानेंगे कि अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने के लाभ हैं क्या और ये रुद्राक्ष किन लोगों को धारण करना चाहिए किसको नहीं। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। अब सवाल ये है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं वो कितना विशेष है और कैसे उसको धारण किया जा सकता है? देखिए, रुद्राक्ष जैसा पहले बताया कि 14 मुखी तक के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं इस समय। अगर हम एक मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो एक मुखी रुद्राक्ष गोल दाने का तो ऑलमोस्ट दुर्लभ है। काजू के आकार का एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादातर मिल पाता है। गोल दाना एक मुखी रुद्राक्ष का ओरिजिनल बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और जिन लोगों की राशि सिंह है ऐसे लोगों के लिए ये रुद्राक्ष बड़ा शुभ होता है। इसका संबंध ज्योतिष में सूर्य के साथ है, तो जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई समस्या हो, जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई दिक्कत हो, ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। यानी अगर आप भगवान शिव की विशेष कृपा चाहते हैं तो भी, अगर आपकी राशि सिंह है तो भी, और अगर आप सूर्य को बेहतर करना चाहते हैं या सूर्य ग्रह से लाभ लेना चाहते हैं तो भी, ऐसी स्थिति में एक मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर पहनना चाहिए। और अब हम पूछने वाले हैं आपसे दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसे कौन लोग पहन सकते हैं, इसके क्या विशेष लाभ हैं? हर तरह के रुद्राक्ष का संबंध शशि किसी न किसी ग्रह से होता है। जैसे एक मुखी सूर्य के लिए हो गया। अगर हम दो मुखी की बात करें तो दो मुखी रुद्राक्ष अर्ध नारीश्वर स्वरूप माना जाता है, यानी शिव जी और मां पार्वती दोनों का स्वरूप इसके अंदर विद्यमान है। जिन लोगों की राशि कर्क राशि है, कर्क राशि के लोगों के लिए ये अत्यंत उत्तम परिणाम देता है। कर्क राशि के जो लोग हैं अगर वो दो मुखी रुद्राक्ष पहने तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम उत्तम होते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, या चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा से संबंधित कोई दिक्कत है तो भी दो मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। अब चंद्रमा की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है मानसिक बीमारी, साइकोलॉजिकल डिजीज। तो अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है, कोई मन की समस्या है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है तो ऐसी स्थिति में भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत बेहतर होता है। तो दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमने जाना, कौन पहन सकता है, क्यों खास है, किस ग्रह के साथ इसका सीधा संबंध है, और अब हमारे दर्शकों के लिए तीन मुखी के बारे में पूरी जानकारी दीजिए प्लीज। बिल्कुल, तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर मानते हैं जी, और इसके अंदर फायर एलिमेंट होता है। ये रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप है। इसके अंदर फायर एलिमेंट अग्नि तत्व पाया जाता है। तो मुख्यतः जिन लोगों की राशि मेष राशि है या जिन लोगों की राशि वृश्चिक राशि है उनके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यानी अगर मंगल दोष की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष पहनिए, या मंगल के कारण अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
और मंगल की मुख्य समस्या क्या है? जीवन में दुर्घटनाएं होने लगती हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, वैवाहिक जीवन लगातार बिगड़ने लगता है, पुलिस कचहरी मुकदमा कोर्ट की नौबत आ जाती है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपके जीवन में आ रही है तो कृपा करके आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, उससे आपको लाभ अवश्य होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसकी विशेषता क्या है, इसका क्या किस ग्रह के साथ खास संबंध है? 4 मुखी रुद्राक्ष का संबंध शशि सबसे ज्यादा है बुध के साथ, मरकरी के साथ। अगर हम 4 मुखी रुद्राक्ष की महिमा समझें तो ये रुद्राक्ष ब्रह्म देव का या साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए ये रुद्राक्ष 4 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम होता है। त्वचा के रोगों में और वाणी की समस्या में इसका विशेष लाभ होता है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, या आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। बुध से संबंधित अगर कोई भी समस्या है आपके जीवन में, मरकरी से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत आपके जीवन में है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको लाभ होगा। बुध की जो ताकत है वो बढ़ेगी, आप अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे, अपनी बात को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे। और अब जानेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, क्या इसकी खास विशेषताएं हैं और क्यों ये बहुत ज्यादा खास माना जाता है। देखिए शशि, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस रुद्राक्ष का प्रयोग होता है या जो सबसे ज्यादा इजीली मिल जाता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। अगर हम 5 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसका नाम है कालाग्नि, इसको कालाग्नि भी कहा जाता है। इसको धारण करने से मंत्र शक्ति की प्राप्ति होती है और अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए या मंत्र को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन लोगों की राशि धनु राशि हो या मीन राशि हो, उनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ होता है। जिन लोगों को शिक्षा में लगातार बाधाएं आ रही हो, ऐसे लोगों को भी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक बात बहुत समझ लीजिए कि बृहस्पति से इस रुद्राक्ष का संबंध होता है, तो अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, बार बार फेल हो जाते हो, या डिग्री प्राप्त करने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिए। खास तौर से जो लोग मंत्र का जप करते हैं, अगर वो मंत्र का जप 5 मुखी रुद्राक्ष पर करें तो उस मंत्र के सिद्ध हो जाने की संभावना ज्यादा है और उस मंत्र से लाभ की संभावना भी ज्यादा बनी रहती है। अगर हम बात करें 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो इसकी क्या विशेषताएं, ये भी बहुत खास है। देखिए शशि, हर दाना रुद्राक्ष का हर मुख अपने आप में खास है और हर के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी पाई जाती है और अलग तरह का ग्रह उसके साथ कनेक्ट होता है। अगर हम 6 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसको भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है, और जब आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे आपको आर्थिक और व्यवसायिक लाभ होता है, यानी पैसे रुपए का फायदा होता है, आपको बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होता है, बिजनेस में लाभ होता है। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियली बेहतर करना है आपको अपने आप को, तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर होगा तो आपके पास वैभव नहीं होगा, ऐसी स्थिति में 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। या आपकी तुला या वृषभ राशि है
तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्र के गड़बड़ होने से पति पत्नी के आपसी संबंध भी खराब होते हैं। ऐसी दशा में अगर 6 मुखी रुद्राक्ष पहना जाए तो पति पत्नी के रिलेशंस बेहतर होते हैं, शुक्र बेहतर होता है, धन की और व्यापार की स्थितियों में सुधार होता है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए अगर आप अपने शुक्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम बात करेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या हैं? 5 मुखी रुद्राक्ष के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो रुद्राक्ष मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 7 मुखी रुद्राक्ष की अगर बात करें तो यहाँ से मिलने की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जी, 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ये सप्त मातृका और सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। अगर आपकी मारक दशा चल रही हो, कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसमें जीवन में प्राण जाने का संकट हो या अत्यंत गंभीर स्थिति हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। अगर मृत्यु तुल्य कष्टों का योग हो या कोई मारक स्थिति हो तो ये रुद्राक्ष पहनिए। मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत बार ऐसा सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि आपकी मारक दशा चल रही है, प्राणों पे संकट हो सकता है, जीवन में दिक्कत आ सकती है, ऐसी स्थिति अगर हो तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा, आपकी सुरक्षा होगी। मकर और कुंभ राशि के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, इसीलिए मकर और कुंभ राशि वालों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा उत्तम होता है। ये इनकी विशेष रूप से सहायता करता है, विशेष रूप से रक्षा करता है। और 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या खास आप बताने जा रहे हैं दर्शकों को? अवेलेबिलिटी है इसकी, मिल जाता है आसानी से? मिल जाता है शशि, 8 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन इस रुद्राक्ष को आप चमत्कारी रुद्राक्ष कह सकते हैं, क्योंकि ये रुद्राक्ष आपको जीवन में चमत्कार करने की ताकत दे सकता है, सिद्धियां देने वाला रुद्राक्ष है जी। अगर हम 8 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये अष्ट देवियों का स्वरूप है और इसको धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यानी जीवन में जिनको चमत्कार करने या चमत्कार देखने की इच्छा हो वो 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। इसको धारण करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर मंत्र कर दिया, मेरा बुरा समय चल रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा दिया, ऐसे लोग इस रुद्राक्ष को पहनने से बचे रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु से संबंधित समस्या है, जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव है, बेवजह के अपयश मिल रहे हैं या आंतों से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो 8 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। सिद्धियां देने के लिए, चमत्कार की ताकत पाने के लिए यह रुद्राक्ष सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और अब हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, ये कैसे विशेष है और क्या खास चमत्कार या किस ग्रह से इसका संबंध है सीधा? सबसे दुर्लभ रुद्राक्ष है शशि 1 मुखी जी। भगवान शिव का स्वरूप है, सेम उतना ही दुर्लभ है 11 मुखी, ये भी भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है जी। अगर हम 11 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इसको धारण करना शुभ होता है।
अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तमाम प्रयास करने के बावजूद, या संतान तो है लेकिन संतान का कल्याण नहीं हो पा रहा, संतान का मंगल नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये आपके लिए कल्याणकारी लाभकारी अवश्य होगा। अब सवाल ये है पंडित जी कि मैंने देखा है कि बहुत बार लोग कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो कई बार मन में सवाल आता है कि क्या कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है? और हमने देखा है जेमस्टोन्स जो हम रत्न पहनते हैं उनका विशेष फायदा और नुकसान होता है, तो क्या रुद्राक्ष को किसी भी तरह से कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से नुकसान होने की संभावनाएं भी हैं क्या? शशि, वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी कितने भी मुखी पहन ले उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष पहन करके नियमों का पालन नहीं करेंगे, जैसे आप रुद्राक्ष पहन करके मांस मदिरा खाते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यवहार में सात्विकता पवित्रता नहीं रखते हैं, तो आपको नुकसान करेगा। अब जैसे मान लिया कोई बच्चा है, बच्चे को जरूरत है पढ़ाई की, शिक्षा की, तो हम उसे गणेश रुद्राक्ष पहना देंगे या पांच मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे तो उससे उसे फायदा होगा। लेकिन अगर उसे एक मुखी रुद्राक्ष पहना दें, 10 मुखी पहना दें, तो फायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। रुद्राक्ष से सामान्यतः नुकसान होना संभव नहीं होता। रुद्राक्ष सबका कल्याण करता है क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप है और शिव का मतलब ही है कल्याण। तो रुद्राक्ष पहनने से आपको नुकसान सामान्यतः तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना आचरण, अपना आहार खराब नहीं करते हैं। यानी रुद्राक्ष पहनने से विशेष लाभ तब होगा जब आप हिसाब से नियमों का पालन करते हुए पहनेंगे, लेकिन पहनने से कम नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, और नुकसान आपको तब होगा जैसे मान लिया आपने रुद्राक्ष की माला पहनी, आप रात में सो गए, तो हो सकता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर एक अपनी एनर्जी है और वो एनर्जी रात भर काम करेगी, तो आपको निद्रा में दिक्कत हो सकती है या हो सकता है आपको उल्टे सीधे सपने आने लगे। इसलिए कहा जाता है कि रात में सोते समय भाई जो भी माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, स्फटिक पहनते हैं, मोती की माला पहनते हैं, रात में सोते समय माला निकाल देनी चाहिए। तो ये सिर्फ माला के ऊपर नियम है या जैसे कोई अगर एक ही रुद्राक्ष धारण किए हुए है, हाथ में किसी ने अगर एक पहना हुआ है, तो उस पर भी ये नियम बनता है? नहीं, एक रुद्राक्ष का दाना बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा नहीं करेगा, करेगा जरूर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अगर आप एक दाना रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप पहन के सो जाइए, उसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 108 दाने की माला ली हुई है और आप उसको गले में पहन के सोएंगे तो आपको नुकसान होगा। दूसरा ये है शशि कि रुद्राक्ष के साथ जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको लंबे समय तक पवित्र रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मुझे नॉनवेज खाना है तो मैं माला निकाल दिया, खा लिया, उसके बाद पहन लिया। तो ये मत करिए, इस तरह के प्रयोग मत करिए। आप तभी रुद्राक्ष पहनिए जब आप अपने आप को पवित्र मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप पवित्रता मेंटेन करेंगे रुद्राक्ष से आपको फायदा होगा। और जैसा पहले भी बताया कि दो स्थितियों में रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, एक आपकी रक्षा के लिए, अकाल मृत्यु से, दुर्घटनाओं से आपको बचाता है, और रुद्राक्ष पहन करके अगर आप पवित्र रहते हैं तो ये आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव करवाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है, क्यों पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और क्या खास विशेष लाभ हमें रुद्राक्ष पहनने से मिल सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।